के लिए रेडी हो चुके हैं और बस हम निकल रहे हैं। धूप बहुत तेज है लेकिन क्या कर सकते, जाना तो है ही। और बेटू भी हमारा रेडी हो गया है। रेडी हो गया है और बस सब निकलते हैं। गाड़ी चलाते हुए थक गए तो यहाँ आए हैं नाश्ता करने के लिए। जेवरा की प्रसिद्ध गुजिया। और दीदी यहाँ जा रहे तो ये लगा कि थोड़ा सा कुछ मीठा लिया, कुछ नई चीज़ ही है। हाँ, तिवारी जी की प्रसिद्ध गुजिया। क्या खाओगे, समोसे? समोसे ख़त्म। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है गुजिया लेने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ लगती है यहाँ पे। और ये अभी की नहीं है, ये हम की त्यौहार है कि रक्षाबंधन है तो भीड़ नहीं, यहाँ हमेशा ही इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। गुजिया के अलावा कुछ नहीं मिला, समोसे मिले ही नहीं। इतनी ज़्यादा भीड़ है, त्यौहार का सीजन है, लोग पैसा दे दे के भी लूटे पड़े। फ्री में लूट रहा होता तो बात ही अलग। चलो जल्दी, नहीं भैया पहचान नहीं पा रहा है, तुम फेस कवर दियो। हाँ ठीक है, चलो रेडी। ओरछा टाइम में जब यहाँ पे वो फरार, मतलब उस टाइम वो क्रांतिकारी अपना टाइम बिता रहे थे, तो यहाँ मीटिंग वगैरह थी। एक सुंदर सा पार्क है, ओरछा जाते में मिलता है रास्ते में, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा बच्चे को फीडिंग कराना है उनको, तो रुके हैं। और भैया भूख ही लगी, हाँ छोटा सा चेहरा हो गया रे भैया का। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। यहाँ से अपन निकल गए कई बार, आए नहीं है लेकिन। चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति है और इस शिलालेख में लिखा भी है शायद। इंदिरा गांधी जी ने उद्घाटन किया था ये पार्क। मेरे हिसाब से रुकने के हिसाब से भी बना। चंद्रशेखर आजाद जी ने गुफा भी बनाई है, उनका मंदिर भी है। यहाँ 1 किलोमीटर तक लंबी गुफा है। अच्छा। जब झांसी बेल्ट पे वो क्रांतिकारी रूप में थे यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे अज्ञातवास में रहे। अच्छा चल।
जहाँ ये जन्म हुआ था वहाँ भावरा की और इलाहाबाद में पंडित सारी उनकी जो जीवनी ही टाइप है वो सब इसमें है, उनके जीवन का परिचय है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का। और ये चार टाइम का है और महाराजा छत्रसाल का भी फोटो लगा हुआ है यहाँ। बहुत शांति है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये बगल से नदी है, जितना आपको इसमें देखने में सुंदर दिख रहा है वास्तव में इससे कहीं ज्यादा सुंदर है ये जगह। सातार नदी बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, जाने का यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ से कई बार निकले हैं लेकिन यहाँ पे आने का हमें मौका नहीं मिला या जल्दबाजी में हम आ नहीं पाए, लेकिन आज मौका मिल ही गया आने के लिए। और हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने, जिनकी चंद्रशेखर आज़ाद पूजा करते थे, और वहीं से एक अंदर के लिए गुफा गई हुई है जो कहते हैं कि 1 किलोमीटर दूर तक गई है। और ये एक मंदिर बना हुआ है माता जी का, और देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून और शांति मिल रही थी। और अगर आप यहाँ से निकलते हैं इस रोड से तो आप ज़रूर यहाँ पर आकर विज़िट करिएगा। आज़ाद पार्क कहते हैं उसको, चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्टैचू लगा हुआ है, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के अंदर एक छावनी भी है जिसमें ये कुआं है छोटा सा, इसमें पानी भरा। बजरंगबली ने हमें बुलाया था तो हम आ गए। गुफा गई, किसने बनाई थी ये? भी यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी पूजा करते थे ना। एक मंदिर में दर्शन करने आए जो बहुत ही ऐतिहासिक और कह नहीं सकते कि मतलब आज यहाँ आना हुआ। हाँ, किस्मत में था हमारे आना तो मतलब बताते हैं कि चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैंने बताया ना कि अज्ञातवास में यहाँ थे तो वो पूजा करते थे यहाँ पे, उन्हीं के उन्होंने ही यहाँ स्थापित किया था और यहाँ पूजा करते थे। यहाँ से गुफा भी गई है, अब गुफा बंद कर दी गई है, पहले चालू थी। यहाँ पे एक बावड़ी भी बनी हुई है जो बहुत पुरानी है। पानी दिख रहा है, पानी छोटी गिलास इसको भी प्यास लग गई है। दीदी हम लोगों का वेट कर रही हैं और बार बार फोन करी कहाँ पहुँचे, और हम लोग ये सब देखने में बिजी हो गए। निकले अब, बहुत अच्छा लगा, अब निकलते हैं।